हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कृषि। हेयर आई एम सत्यम शर्मा, जेनेटिक्स डिवीजन IRI न्यू दिल्ली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत ही कम समय में आप ICAR JRF की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं और एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके आप किस तरीके से एक बहुत ही अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। 15 दिसंबर 2022 को NTA के द्वारा एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया जाता है और इसमें बताया जाता है कि 2023 और 2024 का जो एकेडमिक ईयर है उसमें क्या एग्जामिनेशन कैलेंडर इसका होने वाला है। इसमें इसने ICAR की एग्जामिनेशन की डेट्स भी मेंशन की गई हैं, जो कि आपकी अप्रैल में होने वाली है। अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन की बात करें, 2022 में आपकी जो एग्जाम हुए थे ICAR के, वो सितंबर मंथ में हुए थे और इस बार जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं 23 में, वो अप्रैल मंथ में होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो टोटल आपका डिफरेंस आ रहा है वो 5 मंथ का डिफरेंस आ रहा है। स्टूडेंट्स ने जो स्ट्रेटेजी प्रिपेयर की थी वो इन पर्टिकुलर 5 मंथ का जो गैप है उसमें भी इनकी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर थी। बट अब आपके पास अगर आप देखें तो आपको अप्रैल मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयारी स्टार्ट करनी है और जो तैयारी को ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसमें आपको बहुत जल्दी एसिलेट करना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर 4 मंथ का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको यूटिलाइज करें, जिससे कि आपका एक ICAR में बहुत ही अच्छी रैंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे अगर आप इम्पोर्टेंट देखें तो ICAR में आपकी 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जब भी अगर कोई स्टूडेंट ICAR को प्रिपेयर कर रहा होता है तो 5 सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें ये हैं, इनको उसको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पे सिलेबस। आपको ICAR का जो सिलेबस है उसका आप एक प्रिंट आउट निकलवा लें, उसमें जितने पॉइंट मेंशन किए होंगे उन हर एक पॉइंट का आपको पूरी तरीके से अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उन पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें क्या मेथडोलॉजी बताई गई है, तो जितना भी उस पॉइंट से रिलेटेड है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहला होता है आपका सिलेबस। तो सिलेबस का आप यहाँ पे कोई एक प्रिंट आउट निकलवा लें और जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं उस जगह पे उसको पुट कर दें, सिलेबस आपके लिए मस्ट है। देन दूसरा इंपॉर्टेंट आता है आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर। आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को काफी अच्छे से सॉल्व कर लें। करीब आप अगर 10 to 15 ईयर्स के पेपर भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि अभी तक जो टॉपिक सिलेबस में है उनसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन फ्यूचर आपका जो एग्जाम होगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस वहां से आते हैं, कितने डीप में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो आपकी बुक्स रहती है उनमें कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे आपको कम फोकस करना है, तो इससे आपको ये आइडिया इजिली लग जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनर है उसकी डिमांड आपसे क्या है, वो आपसे क्या चेक करना चाहते हैं। तो अगर हम ICAR की बात करें तो अभी इसके पैटर्न में काफी शिफ्ट आपको देखने को मिलता है। एसर्शन रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चंस थे या कंसेप्चुअल या एनालिटिकल टाइप के जो क्वेश्चंस, उनका परसेंटेज जनरली यहाँ पे बढ़ता देखने को आपको मिलता है। तो आप यहाँ पे जो कंसेप्ट की बिल्डिंग पे वर्क करें, आपके जो बेसिक कंसेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग रखें और मैक्सिमम फोकस करें कि आपके बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी कंडीशन में आपके गलत ना हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको जो एग्जाम की डिमांड क्या है उस डिमांड को आप यहाँ पे समझें। फोर्थ पॉइंट आता है आपका यहाँ पे बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। आपके पास टाइम लिमिट एक बहुत ही लिमिटेड है तो आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आप लिमिटेड रखें। ऐसा ना करें कि फाइनल एग्जाम आने वाला है उसके 15 दिन पहले आप एक नई बुक खरीद के लाते हैं उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और जो बुक रिसोर्सेस है उसको एक लिमिटेड रखें कि अगर आपका बुक एक पर्टिकुलर बुक से सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं तो आप उस पर्टिकुलर बुक को ही अच्छे से कवर करें, 3 से 4 बार कवर करें, ना कि 4-5 बुक को एक एक बार कवर करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका बुक्स और स्टडी मटेरियल है उसको काफी अच्छे से आप यहाँ पे प्रिपेयर करने का वर्क करें और लास्ट टाइम पे ऐसे हड़बड़ाएं नहीं कि ये बुक भी हम पढ़ लेते हैं ये बुक भी हम पढ़ लेते हैं। आप उतने ही स्टडी मटेरियल पढ़ें जहां से आपके क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं या अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। एकदम जो नई बुक्स आ रही है मार्केट में या कोई फ्रेंड आपका नई बुक ले लेता है तो उसके पीछे आपको इतना ज्यादा नहीं भागना है। देन फिफ्थ नंबर पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट। आपके पास यहाँ पे जो सबसे लिमिटेड चीज है वो है टाइम। 4 मंथ का आपको टाइम है, इसी टाइम में आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर कंप्लीट करने हैं, इसके बाद आपके जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो आपको लगाने हैं, और अगर हम यहाँ पे देखें तो देन आपको रिवीजन भी इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको कंप्लीट करना रहता है। तो ये बहुत ही आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो इसको आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ इस पूरे टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको
इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो जो अगर हम टाइम की वैल्यू देखें तो 1 साल की जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछिए जो फाइनल एग्जाम में फेल हुआ है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि 1 मंथ की अगर वैल्यू आप जानना चाहते हो तो उस मदर से पूछें जिसने 1 मंथ के प्री मैच्योर बच्चे को जन्म दिया है जिसके कारण उसको डेथ हो गई है या वो जीवित नहीं रह पाया, तो 1 मंथ की वैल्यू उनको पद किस तरीके से देखने को मिलती है। इसी तरीके से आप भी जो टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करें तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको काफी अच्छी रैंक यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जनरली बात कही जाती है कि जो टाइम है वो किसी के लिए वेट नहीं करता है। यही 4 मंथ का टाइम जो आईसीआर का टॉपर होगा आपका 2023 में उसको मिलने वाला है, और यही 4 मंथ का टाइम आपको मिलने वाला है, और यही 4 मंथ का जो टाइम है 4 मंथ का जो टाइम है वो सबसे जो लास्ट रैंक आपको आईसीआर में देखने को मिलती है इतना ही टाइम उस स्टूडेंट को भी मिलने वाला है। तो जो टाइम है वो सबके लिए बराबर है। इसमें आपका मेन जो चीज है जो डिफरेंस आपकी क्रिएट करेगी वो आपकी होगी प्रॉपर स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, क्या स्ट्रेटजी आप यहाँ पे रखते हैं और इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चाहे वो एग्रोनॉमी जेआरएफ का हो, चाहे वो प्लांट साइंस का हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी का हो, फिजिकल साइंस का हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 पॉइंट्स हैं। अगर आपने इन पे अच्छे से वर्क किया तो देन आपका प्रॉपर जो रैंक है वो काफी अच्छे से देखने को मिलेगी। अगर हम प्लांट साइंस की बात करें तो ये प्लांट साइंस के स्टूडेंट का सिलेबस है। इस सिलेबस के हर एक पॉइंट से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये कंपल्सरी। इन सारे पॉइंट्स को आप काफी अच्छे से पढ़ें, सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर करें, उनका जो डीप है उसमें भी आप जाएं और सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, या इसका प्रिंट आउट लेके जहां पे भी आप पढ़ाई करते हैं उस जगह पे पुट कर दें इसे। देन अगर हम यहाँ पे बात करें पैटर्न की, एग्जामिनेशन की, तो पैटर्न जब आप बात करते हैं तो पैटर्न से आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानकारी लगती है। जैसे कि आपका ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन आपका 120 मिनट की ड्यूरेशन है, और यहाँ पे आपका इससे पता चलता है कि आपको 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस करने हैं। तो जब 120 मिनट में आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट का टाइम मिलेगा तो आपको जो स्पीड है उसको बूस्ट करने के लिए बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट, इसके साथ साथ जो एमसीक्यूज है वो भी आपको काफी ज्यादा सॉल्व करने होंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है आपके वो भी आपको सॉल्व करने होंगे। तो इन सभी को आप एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व करेंगे, तो जो आपकी फाइनल एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स जनरली स्टूडेंट को फेस होती हैं वो यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होंगी। देन टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, और टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं। तो इन 120 क्वेश्चंस में से आपको अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपको 120 आउट ऑफ 120 स्कोर करना है तो इतना टारगेट लेके आपको नहीं चलना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 क्वेश्चंस में से मेरे 105 क्वेश्चंस एटलीस्ट सही होने चाहिए, या मेरे एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे 100+ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सही होने चाहिए। आप यहाँ पे ये टारगेट लेके चलें, अगर आप 120 का टारगेट लेके चलेंगे तो आप वो चीजें भी पढ़ेंगे जो आपको नहीं पढ़नी चाहिए और जो एग्जाम में नहीं आएंगी। तो आप यहाँ पे जो टारगेट है वो 100+ क्वेश्चंस का लेके चलें कि इतने क्वेश्चंस मिनिमम मेरे सही होंगे, यहाँ पे मेरे जो मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो उनके क्वेश्चंस मेरे सारे सही होंगे। तो इतना अगर आप स्कोर कर जाते हैं, अगर आप 105 क्वेश्चन सही लगा देते हैं तो आपका जो स्कोर होगा वो 420 होगा। इसमें से अगर आप 15 माइनस भी कर देते हैं, 15 क्वेश्चन अगर आपके गलत भी होते हैं तो आपका स्कोर आएगा 405। इतने स्कोर पे जनरली जो आईसीआर के टॉपर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 10 में आपकी रैंक इजली आ जाती है। तो अगर आपके 95 से लेके 105 तक आपका क्वेश्चन का टारगेट रहता है कि इतने क्वेश्चन आपको सही करने हैं, आपको 120 में से 120 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, आपको अगर इतने क्वेश्चन भी आप अच्छे से सॉल्व कर देंगे तो आपका यहाँ पे इजिली सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखें, और सारे टॉपिक्स को पीछे भागने से बेहतर है आपका कि जिस स्ट्रीम से जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उतना ही आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो आपका जो टाइम है लिमिटेड टाइम का, लिमिटेड रिसोर्सेस को अच्छे से यहाँ पे आप कंप्लीट करें। अब कौन कौन से पॉइंट्स को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है प्रिपरेशन के टाइम पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम, ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसी में आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। दूसरा है कि लिमिटेड रिसोर्सेस यूज करें। लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब ये नहीं होता कि एक आपने बुक ले ली उसी को आप कवर कर रहे हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब ये होता है कि उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट को कितनी बुक फुलफिल कर सकती है। जैसे
फोर बुक फुलफिल कर सकती हैं, फाइव बुक फुलफिल कर सकती हैं, तो वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर किस स्ट्रीम का आप यहाँ पे एग्जाम देते हैं। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति प्लांट साइंस का एग्जाम दे रहा है, तो जो आपकी बी डी सिंह की बुक है वो उसको जनरली पढ़नी चाहिए, वो दोनों बुक उसको मस्ट होती है। देन पैथोलॉजी में भी उसको काफी अच्छे से जो बुक्स हैं वो फॉलो करनी चाहिए। तो ये क्या है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम की डिमांड है, इनको अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप बाकी जो स्टूडेंट नॉर्मली पढ़ते हैं उनसे आप पीछे रह जाएंगे। देन आपको जनरली पता होगा कि आप किन किन टॉपिक्स में वीक हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें और जितनी भी आपकी वीकनेसेस हैं उनको आप यहाँ पे इम्प्रूव करने का वर्क करें। तो इनका पता कैसे चलता है आपको, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, उनसे आपको यहाँ पे आइडिया लगता जाएगा कि कौन कौन से फील्ड आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको फेस होती है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो आपको फाइनल एग्जाम में फेस ना हो, इसलिए आप जो वीकनेसेस हैं आपकी उन पे भी आप यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करें। इसके साथ साथ जो रिसोर्सेस हैं उसको वाइजली यूज करें, अगर आप मोबाइल फोन का ज्यादा यूज करते हैं तो उसको थोड़ा लिमिटेड यूज करें, और अगर उसमें भी यूज करते हैं तो देन जो आपके रिलेटेड लेक्चर्स वगैरह हैं प्लांट साइंस से उनको आप देखें, तो जो रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली यूज करें। देन किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ब्लाइंडली फॉलो ना करें कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने इस तरीके से तैयारी की थी, उसका इस तरीके से स्कोर आया है, आपका फ्रेंड किस तरीके से तैयारी कर रहा है और आपके जो सीनियर्स ने किस तरीके से तैयारी की थी, आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सेपरेट इंडिविजुअलिटी है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे तैयारी करें कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग जब आप तैयारी करेंगे तब आपको ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपका फेलियर से बिल्कुल ना डरे कि 4 मंथ है, किस तरीके से तैयारी होगी, 4 मंथ है, इसका मतलब है कि आपके पास 4 महीने पूरे के पूरे पड़े हैं, ना कि एक कम टाइम, तो इसमें आप इजिली इसमें तैयारी कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम है लेकिन इजिली यहाँ पे उसको तैयार कर सकते हैं। तो फेलियर से बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि जो टॉपर हुआ उसको भी इतना ही टाइम मिलेगा और जिसके सबसे कम स्कोर हुआ उसको भी सेम टाइम मिलने वाला है। देन जितने ज्यादा आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, उतना ज्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या प्रोसेस रहने वाली है आपकी, तो एक पर्टिकुलर गोल को सेट करें, उसका एग्जीक्यूट करें, देन एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपकी कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करके आप यहाँ पे जरूर रखें। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मतलब यह है कि आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे पढ़ाई करें, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन आप यहाँ पे 1 से 2 घंटे ही पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलरिटी मेंटेन करके रखें। आप डेली 7 to 8 आवर्स में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये एक 4 मंथ बिल्कुल इसी कंटिन्यूटी में आप चलते रहें और धीरे धीरे जो टाइम है उसको इम्प्रूव करते रहें। देन इसके साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी काफी ध्यान रखें, क्योंकि ये एक लास्ट टाइम है, इसमें अगर आपकी थोड़ी भी कुछ भी दिक्कत आती है आपको, अगर 8 से 10 दिन का भी आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आती है तो देन आपको वहां पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो स्टेबलाइज योर स्लीपिंग रूटीन, हेल्दी डाइट आपने यहाँ पे एक्सरसाइज करें पर्टिकुलर हर दिन, तो ये इस पे थोड़ा टाइम आपको हेल्थ पे भी देना चाहिए, क्योंकि जो माइंड है आपका जितना स्वस्थ रहेगा उतने अच्छे से वो वर्क करेगा। इसके साथ साथ जितने भी पॉइंट्स आप रीड करते हैं उनको रिव्यू करते रहें, रिवाइज करते रहें, और टेंशन ज्यादा आपको नहीं लेनी है उसके कंपैरिजन में, आपको पढ़ाई करते रहना है, तो टेंशन लेने के लिए भी आपके पास टाइम ना हो, उस टाइम में भी आप वहां पे पढ़ रहे हैं, तो रिवाइज एंड रिव्यू डेली बेसिस पे करते रहें, और फाइनल एग्जाम से डरे नहीं, वो सभी स्टूडेंट के लिए सेम पेपर आएगा, सेम टाइम बचा है सबके लिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे तैयारी करें। ये जनरली आपको यहाँ पे वेटेज देखने को मिलता है डिफरेंट सब्जेक्ट का। प्लांट साइंस के स्टूडेंट के लिए जेनेटिक्स 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं, ब्रीडिंग से करीब 25 क्वेश्चंस आते हैं, पैथोलॉजी से भी आपके 20 to 27 क्वेश्चंस आते हैं, माइक्रोलॉजी से अगर देखें तो 10 to 12 क्वेश्चंस, सीड टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चंस, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जनरल एग्रीकल्चर से भी करीब 8 से 12 क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। तो जितने भी प्लांट साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो इसको नोट कर लें और इसी के अकॉर्डिंग वो अपने टाइम को डिवाइड करें कि 3 यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट है, जेनेटिक्स, दूसरा है प्लांट ब्रीडिंग और तीसरा पैथोलॉजी, इनसे तीनों से अगर हम मिलाएं तो 75 के करीब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इन तीनों से अगर हम देखें तो एटलीस्ट 10 10 क्वेश्चन तीनों से आते हैं, तो आपके 35 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं, और जनरल एग्रीकल्चर से आपके 10 to 15 क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिल जाते हैं। तो इसके तरीके से आप यहाँ पे टाइम डिवोट करें।
पर्टिकुलर इसमें आप टाइम दें, तो इस तरीके से अगर आप जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो काफी अच्छा स्कोर आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने जो आईसीआर जेआरएफ प्लांट साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक टारगेट बैच भी लॉन्च किया है, जो कि आपका आईसीआर के जो बैच है आपका इसी तरीके से फोकस्ड है कि इसमें हम लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में किस तरीके से काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो इस टारगेट बैच में क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है सभी स्टूडेंट को, वो होगा आपका न्यू पैटर्न ओरिएंटेड लाइव क्लासेस, इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लचर्स मिलने वाले हैं रिवीजन के लिए, जो कोर्स है वेल स्ट्रक्चर्ड है, और जो मॉक टेस्ट है आपके डेली मॉक टेस्ट होंगे अप टू आईसीआर एग्जामिनेशन। जब भी आपका आईसीआर एग्जाम होगा अगर वो अप्रैल में होता है तो अप्रैल तक आपको कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट मिलेंगे, अगर अप्रैल से जो मॉक आपका पेपर है वो शिफ्ट होकर सेप्टेम्बर तक भी होता है तब तक भी आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, क्योंकि आपके पास एक टाइम लिमिटेड है 4 मंथ का टाइम है, अगर आपको कोई पे भी डाउट आता है तो आप उसको नेक्स्ट क्लास में ही इजिली सॉल्व कर सके। इसके साथ साथ स्पेशल एंड क्रिस्पी नोट्स मिलेंगे, देन कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है 10 मंथ का आपको यहाँ पे, और जितने भी जो बुक है आपकी बीडी सिंह हुई या बाकी भी जो बुक्स है प्लांट साइंस की उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहाँ पे इसमें साथ में मिलेंगे। तो क्या होता है कि बीडी सिंह का अगर आप एक चैप्टर अपने से पढ़ते हैं तो उसमें एटलीस्ट 5 से 6 घंटे का टाइम जनरली लग जाता है, अगर पहली बार अगर आप रीड कर रहे हैं किसी भी चैप्टर को तो इतना टाइम आपको जनरली वहां पे लगने वाला है। जबकि अगर हम यहाँ पे लेक्चर्स की बात करेंगे अगर पर्टिकुलर बुक की तो 1 से 2 घंटे में वो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आपका टाइम सेव कर सकते हैं, आपकी जो लेक्चर्स की फैकल्टी है वो काफी हाईली एक्सपीरियंस्ड है, देन स्टूडेंट सेंट्रिक स्टडी है, और इंटरेक्टिव गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो कोर्स है आपका टारगेट बैच का वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, कोर्स अवेलेबिलिटी अगर हम देखें तो फाइनल एग्जाम्स तक ये कोर्स अवेलेबल रहेगा आपका। क्लास ड्यूरेशन की बात करें तो 2 से 3 घंटे की आपकी क्लासेस होंगी रेगुलर, और क्लास टाइमिंग की बात करें तो वो इवनिंग टाइम में ही जनरली आपकी क्लास टाइमिंग रखी जाएगी 6 बजे के बाद। अब टारगेट बैच के हम कुछ टारगेट्स की बात करें तो वीकली टारगेट्स में आपके यहाँ पे पर्टिकुलर यूनिट चैप्टर्स में फोकस्ड किया जाएगा, मंथली टारगेट में देखा जाएगा किस तरीके से आपकी जो सब्जेक्ट की ग्रोथ देखने को मिल रही है, आपकी जेनेटिक्स कितने टाइम में कवर हो रहा है, आपका पैथोलॉजी कितने टाइम में कवर हो रहा है, बाकी जो सब्जेक्ट है वो उनको मंथली टारगेट्स के बेसिस पे कंप्लीट किया जाएगा। ओवरऑल टारगेट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके मार्च मंथ में सारा के सारा सिलेबस है जो प्लांट साइंस का वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। अगर आप बायोमेडिकल जेनेटिक्स भी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपकी जो बायोमेडिकल जेनेटिक्स होगी वो इस लेवल की होगी कि आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर वहां से आता है तो आप उसको इजिली टैकल कर सकें। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजिली टैकल कर सकते हैं। तो ओवरऑल टारगेट्स आपका रखा जाएगा मार्च मंथ, इसमें आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, रिकमेंडेड जो बुक्स है वो भी कंप्लीट हो जाएंगी, और अगर हम लास्ट मंथ की बात करें तो 1 मंथ जो है आपका अप्रैल का 20 से 25 दिन, उसमें आप ओनली रिविजन करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे, तो जिससे आपका काफी अच्छी आपको रैंक देखने को मिलेगी और फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो आपके डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट होंगे, जितना आपकी प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया होगा उसका आपका मॉक टेस्ट नेक्स्ट दिन होगा, और जितने टॉपिक्स उसमें बताए जाएंगे तो उनके अकॉर्डिंग आप मॉक टेस्ट देते जाएंगे, तो आपको प्रिपरेशन में आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में आपको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है। तो 120+ मॉक टेस्ट है आपके, या अगर हम देखें यहाँ पे कि डेली मॉक टेस्ट होगा, जब तक आपका जेआरएफ एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके यहाँ पे डेली मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। इस टारगेट बैच के लिए आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो 3,000 इसकी पर्टिकुलर कोर्स की फीस है, जिसको आप पेटीएम गूगल पे या फोन पे से 8120728848 पर पे करके इसका स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पे सेंड कर सकते हैं, और इस स्क्रीनशॉट के साथ आप अपना नेम, ईमेल आईडी और किस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं इसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि 4 मंथ का टाइम बचा है, सभी के लिए सेम टाइम है, आप काफी अच्छे से मेहनत करें इस टाइम को और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके काफी अच्छी रैंक सिक्योर करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।